गुड मॉर्निंग विद मी मैथ्स इंग्लिश दोनों एक साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? और आज मैं आप लोगों को बहुत अच्छी एक ट्रिक बताने वाला हूं, जो कि डिवीजन की ट्रिक है। चलिए देखते हैं क्या है वो ट्रिक। चलिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको इस क्वेश्चन को डिवाइड करना हो और आपके उसके आंसर का पता लगाना हो बिल्कुल करेक्ट, तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं। तो गाइज, यहां पर करना क्या है आप लोगों को, देखो इसको करने से पहले आप लोगों को मैं एक बेसिक बात बता देता हूं, जो कि आप मैथमेटिक्स में आज तक पढ़ते आए हैं। मान लीजिए आपके पास 1/2 है, तो अगर मान लीजिए आप यहां पे 1 ऐड कर दें, आप यहां पे 1 ऐड कर दें और यहां पे 2 ऐड कर दें, मतलब जितना रेशो था उसी रेशो में एडिशन कर दें, तो फ्रैक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देख लीजिए, फिर भी 1/2 ही आ रही है। अब अगर मान लीजिए 1/2 था, मान लो आपने यहां 5 ऐड कर दिया और यहां पे 10 ऐड कर दिया, मैं फिर बता रहा हूं 1/2 का रेशो था ना, अगर आपने 1/2 का रेशो में ही कोई चीज ऐड कर दी तो फ्रैक्शन बिल्कुल सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि 6/12, देख लीजिए अभी भी 1/2 है। इस क्वेश्चन को करने का बहुत आसान तरीका बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास है 10/30, 1/3 वैल्यू है। अब आप खुद सोचो, अगर इसमें से मैं 1 घटा दूं, इसमें से 3 घटा दूं, तो रेशियो बदली नहीं होना चाहिए। पहले 10/3 था, 30 था, इसका मतलब 1/3, तो देखते हैं कितना आता है, 9/27, यानी कि 9 × 27, देख लीजिए 1/3। मतलब कहने का ये है, जो रेशियो चल रहा था अगर उसी रेशियो को जोड़ा जाए या उसी रेशियो को घटाया जाए तो सेम रेशियो निकल कर सामने आता है। इसी कंसेप्ट को हम यूज करते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। चलिए गाइस, अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर अंकों के 2 स्थान तक बिल्कुल करेक्ट निकालना हो तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। यहां पर गाइस आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको अभी अभी मेथड बताया, आपको करना क्या है कि इसको नियरेस्ट 100 में चेंज करना है। तो आपको बताइए, यहां से 17 माइनस करना होगा। अब जैसा कि मैंने आपको मैथमेटिकल कंसेप्ट में बताया, अगर आप यहां से 17 माइनस कर रहे हैं तो आपको उसी रेशियो में, जो रेशियो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, उसी रेशियो में यहां से भी चीजें घटानी पड़ेंगी। अब यहां पे देखिए 1/4 का रेशियो बन रहा है, 2/8, यानी कि 1 ऊपर 4 नीचे, यानी कि नीचे से अगर हम 4 घटाएंगे तो ऊपर से 1 घटाना पड़ेगा। तो ये 17 घटाए तो मैं इसको 16 मान लेता हूं, तो यानी कि मुझे 4 घटाना पड़ेगा, तो 239 यहां पर हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा 800। तो गाइज यहां पर मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं, 8 × 100, जब 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 × 2 = 16 और बचा 7 = 79, 8 × 72, 2 अंकों तक निकालना है हमें, बस आगे हम नहीं देखेंगे। 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.29 आपके सामने आंसर आ जाएगा। और गाइज अगर आपको कैलकुलेटर से चेक करना हो तो यही आंसर आपको यहां पर डेफिनेटली मिलेगा। आप चेक कर सकते हैं, बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर यही आंसर आ रहा है, और बाकी और नंबर्स पे भी आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चलिए गाइस, अगर हम अगले क्वेश्चन को देखें तो यहां पर हमारे पास 201/576 है। मैंने आपको बताया हमें कोशिश ये करनी है कि हमें इसको नियरेस्ट 100 में चेंज करना है। तो ये अगर हम 500 पे इसको ले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे, इसलिए हम इसको 600 पे ले जाते हैं। 600 पर ले जाने के लिए हमें इसमें 24 ऐड करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे 24 ऐड करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो बैलेंस नहीं हो पाएगा, राइट? तो अब यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। अगर यहाँ माइनस करते हैं तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा, प्लस करते हैं तो प्लस करना पड़ेगा। अब यहाँ से 24 प्लस किया है, अब देखते हैं कि ओरिजिनली क्या रेशियो इसका चल रहा था, ठीक है? तो देखते हैं, यहाँ 200 है लगभग, यहाँ 600, 1/3 का रेशियो, 1/3, यानी कि अगर यहाँ 24 ऐड किया है तो यहाँ पे 8 ऐड करना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे गाइज 8 ऐड करेंगे तो 209 हो जाएगा और ये 600 हो जाएगा। फिर उसी तरह से करते हैं, 600 से इसको भाग करते हैं तो आंसर कितना आएगा, 6 × 18, 2 बच गया 29 और
छः चौक चौबीस, क्लियर है, छः चौक चौबीस और दो अंकों तक हमें लेना है और 100 से जब भाग करेंगे तो 0.34। गाइज ये 0.34 आपके सामने आंसर आ गया और यही आप जब डिवाइड करेंगे 201 को 576 से तो दो अंकों तक यही इसका आंसर आने वाला है। तो गाइज ये जो ट्रिक मैंने बताई है बहुत शानदार ट्रिक है, बस आपको मैथमेटिक्स के कंसेप्ट का ध्यान रखना है कि जितना आपने नीचे जोड़ा है या घटाया है उसी रेशियो में आप ऊपर भी जोड़ेंगे या घटाएंगे, पिछला जो इसका रेशियो चल रहा है उसी रेशियो में। तो गाइज ये बहुत अच्छी ट्रिक है जल्दी से जल्दी डिवाइड करने की, आंसर निकालने की, और आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको भी दे देता हूँ, आप लोग ट्राई कीजिएगा इसको। तो गाइज इस कंसेप्ट को सीखने के बाद आप इसको जरूर अटेम्प्ट करके देखिएगा कि आपसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी, अपना आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्टिव और पैसिव, और एक्टिव एंड पैसिव में भी स्टूडेंट्स क्या हम डिस्कस करने वाले हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में हम कैसे चेंज करते हैं। हाउ डू वी चेंज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव फॉर्म, एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, ये समझने के लिए मुझे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली हमारे चार तरह के इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। हमारे पास होता है रिक्वेस्ट, हमारे पास होता है ऑर्डर, हमारे पास होता है एडवाइस, और लास्ट हमारे पास होता है प्रपोजल। ये चारों ही हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो जब इम्पेरेटिव से, तो हम इम्पेरेटिव को जब एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं, सबसे पहला मेथड जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़, अगर वो रिक्वेस्ट है तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करोगे, यू विल यूज़ यू आर रिक्वेस्टेड टू। आप बस ये चार चीज़ें ऐड करोगे, ये चार वर्ड्स ऐड करोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अगर वो ऑर्डर है तो रिक्वेस्टेड की जगह स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू। अगर वो एडवाइस है तो आ जाएगा यू आर एडवाइज्ड टू, और अगर वो प्रपोजल है तो वहाँ आ जाएगा यू आर प्रपोज्ड टू। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लिखा शट द डोर, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है इस सेंटेंस को देख के कि ये एक ऑर्डर है, तो मैं इसका पैसिव कैसे बनाऊंगी, इसका पैसिव हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर, यू आर ऑर्डर्ड टू, और बिल्कुल वही का वही मैं कॉपी कर दूंगी, क्या हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर। अगर यहाँ पे लिखा होता प्लीज़ शट द डोर, कृपया करके दरवाज़ा बंद कर दो, तो क्या हो जाता यू आर रिक्वायर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर। ये है वे नंबर वन। पहला तरीका क्या है, हमने ये चार वर्ड्स को ऐड किया। दूसरा तरीका क्या है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू और शेयर जरूर करो।